नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपको याद है मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी, चूहे और शेर की दोस्ती की कहानी। कहानी आपको पसंद भी आई थी बच्चों, और आपने इस कहानी से सीखा भी बहुत कुछ था। आज हम उसी कहानी से जुड़ा अभ्यास करेंगे, तो आप तैयार हैं ना? बस तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। कक्षा 2 और पुस्तक का नाम है सारंगी। बातचीत के लिए तो बताओ बच्चों, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हो? कैसे? अच्छा, एक बात सोची आपने, शेर के जो दांत होते हैं वो भी पहने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? बताओ बताओ, सोचो। और अब अगला हम देखते हैं शब्दों का खेल। तो बच्चों याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया, और नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको पूरा कीजिए। मतवाली चाल से चला जा रहा था, ने अपना पैर हटाया, ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया, भागा भागा महा आया। तो आपको समझ आया? तो चलिए अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला अभ्यास क्या है। तैयार होना बच्चों। हाँ, तो इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं? चूहा जाल कुतर सकता है, तो जो और जानवर हैं वो बताइए क्या कर सकते हैं? बिल्ली, बंदर, मछली, चिड़िया, शेर। तो बच्चों आप बताइए आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है, और आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? ये जो खाली जगह है ना, इस पे लिख डालिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम अगला अभ्यास करते हैं। मित्र शब्द में त्राया है ना? अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्रा आया है, उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। पत्र, दोस्त, पात्र, कमल, त्रिकोण, त्रिशूल, मक्खी, अचार, वस्त्र। पत्र, पात्र, त्रिकोण, त्रिशूल, वस्त्र। तो बच्चों अब हम आ गए हैं पहेली पर। पहेलियां तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? तो बताओ ये पहेली आपको क्या बताती है? बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। बताओ बताओ, सोचो। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों अगली पहेली ध्यान से सुनो। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। सोचो। अरे सोचो सोचो, बिल्कुल ठीक। और अब ये वाली पहेली बूझो। चार पांव पर चलना पाऊं, बिना हिलाए हिलना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। बोलो बोलो। अरे सोचो। बिल्कुल ठीक।
बच्चों अब जो हम अभ्यास करेंगे वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और वो है खेल खेल में। और बच्चों एक जानवर होता है याक, वो ठंडी जगहों पे होता है, ठंडी जगहों पर याक ही हमारा मित्र होता है। आज पता है क्या हुआ, वो अपने घर का बेचारा रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर पहुंचाने में सहायता कीजिए। बच्चों देखो ये आपको चित्र दिख रहा है ना, और यहां देखो ये है याक, ये कैसे अपने घर पहुंचेगा, चलो इसकी सहायता करते हैं। तो आइए बच्चों एक और अभ्यास करते हैं, और ये अभ्यास हम मिलकर करते हैं, ये है मिलकर पढ़िए। तो चलिए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं। राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगता है। दोनों डर गए और रोने लगे, उन्हें असुरक्षित लगा। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयास करे तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित, अब ये समझते हैं कि सुरक्षित क्या होता है। जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो, जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुरक्षित और असुरक्षित में क्या फर्क होता है। तो बस अब हम ये अभ्यास करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको राजू और मीना को ये बताने में सहायता करनी है कि उनके लिए सुरक्षित क्या है और क्या असुरक्षित है। सुरक्षित के लिए सही का चिन्ह लगाइए और असुरक्षित के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, आपका मित्र आपको मारता है, बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट गया है। तो बच्चों अब जो हमारा अभ्यास है वो आपके सामने है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो चित्र है ना? तो ये चित्र ही आज का हमारा अभ्यास है और इसका नाम है खेल कूद। खेल कूद में हम चित्र से बातचीत करेंगे, यानी चित्र के द्वारा बातचीत करेंगे। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या क्या है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये देखो कितनी सारी कितनी प्यारी बच्चियां हैं यहाँ, है ना? ये देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो देखो देखो, नाव बनाते हो आप कागज से नाव, और पेड़ कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं, बल्कि बच्चे तो पेड़ पे भी चढ़ गए। क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हैं? क्या आपने कभी भागा दौड़ी की है? जब बरसात आती है तो क्या आपने पानी में नाव दौड़ाई है? तो बच्चों अभी आपने चित्र देखा है ना, तो चलिए अब अभ्यास करते हैं। बताइए चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि ये जो चित्र है इसमें बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? बताइए बताइए। अच्छा बच्चों इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले हैं, उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। चलिए अब हम एक और अभ्यास करते हैं। अभ्यास है शब्दों का खेल। चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं, कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है ना, कुछ को दो लोगों के जोड़े में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। अब बच्चों चित्र को देखकर बताइए
कि कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। तो तैयार हैं आप? खेल और खेलने वालों की संख्या, अकेले खेले जाने वाले खेल यहां लिखिए, दो के जोड़े में खेले जाने वाले खेल आप यहां सामने लिखिए, और यहां लिखिए वो खेल जो समूह में खेले जाने वाले हैं। चलिए एक और अभ्यास करते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि आप अपने मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल को कैसे खेलते हैं, लिखिए। ये जो खाली जगह है ना, इसमें लिखिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का अभ्यास। तो आपने इस अभ्यास में क्या क्या सीखा? हमने पहेलियां बूझी, हमने जाना कि सुरक्षित असुरक्षित क्या होता है, हमने एक याक को उसके घर पहुंचाया, कितना मज़ा आया ना उसको घर पहुंचाने में, उसकी सहायता करने में। और इसके अलावा हमने कुछ शब्द सीखे जैसे कि पत्र है, वस्त्र है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।